हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जबरदस्त एक्शन रहा एक्सपायरी के दिन। दो तीन दिन से मार्केट साइडवेज थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अच्छा होगा, तो और वो अच्छा नीचे के साइड पे निकला और दोबारा उसके बाद ऊपर के साइड पे भी एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आया। तो आज 10-10 की चीज़ें 100 गई पुट साइड पे, उसके बाद 10-10 की कॉल 100 गई। दोनों साइड पे मोमेंटम था, बट इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट एक आया। यहाँ पे जस्ट फॉर लर्निंग पहले आपको एक पैटर्न दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, उसके बाद निफ्टी की बात करेंगे जिसकी कल एक्सपायरी है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कल यूएस मार्केट्स बंद है, परसों ब्लैक फ्राइडे अगेन वहाँ पे बंद रहेगा, या शायद हाफ डे ऐसा कुछ है। मंडे को हमारी मार्केट बंद है, और फिर अगले वीक पता भी नहीं पड़ेगा आपको, 2 दिन बाद मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। तो एक छुट्टियों वाला टाइम आ रहा है, जिस कारण से कल के बाद मार्केट काइंड ऑफ थोड़ा साइडवेज वॉलेटाइल ऊपर नीचे, बट नेट बेसिस पे कुछ ना करे जा सकता है। ये आपको दिवाली के टाइम पे भी मैंने समझाया था, सिखाया था, आपने देखा ऊपर गए नीचे गए, मुहूर्त ट्रेडिंग ये वो, बट जहाँ थे वहीं आ गए 2-4-5 दिनों के बाद। तो ये पॉसिबल रहेगा, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑप्शंस कैरी करने वाले हैं किसी भी कारण से, तो वो आपके सड़ सकते हैं जीरो की तरफ। देखिए देखिए, बैंक निफ्टी इस रेंज में चल रहा था, और हम लोगों ने कल वीडियो में सीखा था कि जितनी बड़ी रेंज उतना ही बड़ा टारगेट। ये जो रेंज थी मैंने एरो से मार्क कर रखी है, इस एरो को मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे रखा, तो ये जो टारगेट आ रहा था एग्जैक्ट ये आया। और मैंने यहाँ पे एक एक्चुअल में इस ग्रीन कैंडल पे 500 के आसपास बाइंग का भी एक ट्राई किया था, लाइव मार्केट चल रही थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फॉल हमेशा फास्ट आता है, बट जब 500 का लेवल टूटा तो वहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमारे टारगेट जो थे, जो मैं आपको देके चल रहा था, 200 250 300, उस एरिया में मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे पहुँचा। इवन इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया मार्केट ने गिरने के बाद, और इधर डब्ल्यू के बाद एक बहुत अच्छा अप मूव कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी आखिरी दम तक मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हो रही है। और निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी तो पॉजिटिव में आ गया। देखिए, इस सारे एक्शन से आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहले मैं आपको जो समझ में आएगी ये आएगी कि कल बैंक निफ्टी ने, एक दिन पहले एक्सपायरी से, बैंक निफ्टी ने क्या किया था। सडनली जब ये गिर गया था तो कुछ लोग जो कॉल लेके बैठे थे वो कैरी करके चले गए थे। आज भी लाइव में मुझे कह रहे थे लोग, सर कॉल कैरी किया है, क्या होगा क्या होगा। तो मार्केट ने कॉल राइटर को एक दिन पहले ट्रैप किया था, तो उसको आज मौका नहीं दिया, गिर गया। आज जब बैंक निफ्टी गिर रहा होगा तो निफ्टी में भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, चलो बैंक निफ्टी तो छोड़ो, निफ्टी की पुट लेते हैं, निफ्टी गिर रहा है और कल एक्सपायरी है, कल ये 100 पॉइंट गिर जाएगा, हमारी 10 की 20 की पुट जो है 100 हो जाएगी। और कहीं ना कहीं वो सारे लोग ट्रैप हो गए। कई सारे लोगों ने कॉल बेचा हुआ है, जो अगेन इस टाइम पर ट्रैप फील कर रहे होंगे, क्योंकि इमोशनली एग्जिट नहीं ले पाए होंगे। तो निफ्टी में हम देख सकते हैं कि एक जो रिकवरी आई है, जितना फॉल आया डब्ल्यू बनाया, एंड देन उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी आई है, और निफ्टी अपनी वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग कर रहा है। एंड उसी तरह से मिड कैप का भी चार्ट है। आप निफ्टी की अगर क्लोजिंग देखोगे तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग है इस पूरी रैली की, इस पूरी रैली की सबसे उच्चतम क्लोजिंग निफ्टी की आज आई है। तो अब हमें कल करना क्या चाहिए? देखिए, अगर थोड़ा सा भी ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिला, अभी आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ जो कि एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, तो निफ्टी इस रेजिस्टेंस को, इसके ऊपर जिसके ऊपर निफ्टी एक बार गया था बट वो फॉल्स था, तुरंत गिर गया था, अदरवाइज निफ्टी यहीं पे लगातार रेजिस्टेंस खा रहा है। आप देख सकते हो ये लेवल है 820 825 का, इसको तोड़ने की कोशिश कर सकता है या इसके ऊपर भी खुल सकता है। और इसके ऊपर खुलने का मतलब होगा कि बहुत सारी कॉल राइटिंग कटेगी मार्केट में। निफ्टी का पीसीआर जो है 1 के आसपास है, तो पुट राइटिंग जो है वो आज फ्रेश बहुत सारी हुई है। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ ऑप्शन चेन पे। तो जितनी बड़ी ये रेंज है, इतना बड़ा मूवमेंट कल निफ्टी में शायद ऊपर की तरफ बन जाएगा एक्सपायरी के दिन, तो एक और धमाकेदार एक्सपायरी हो सकती है। निफ्टी का टारगेट 19,950 से 20,000 के आसपास भी बन सकता है, अगर गैप अप खुल गए। गैप डाउन खुल जाते हैं, छोटा मोटा गैप डाउन, अगेन इस ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो आप। छोटे मोटे गैप डाउन की मैं बात कर रहा हूँ, 40-30-50 पॉइंट। किसी कारण से निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो इसी रेंज के अंदर निफ्टी रह सकता है, और जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना आए, कोई भी बड़ा डायरेक्शनल ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। तो शॉर्ट करने के लिए आप मिनिमम से मिनिमम 700 रुपये के टूटने का वेट करेंगे। तो अगर कल 70-80 पॉइंट गैप डाउन खुलते हैं तो 700 का लेवल टूटना ज़रूरी है, उसके बाद तब जाके कुछ शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अगेन वो मूवमेंट ऑलरेडी 100 पॉइंट के आसपास का हो चुका होगा, तो आई डाउट कि उसके बाद ब्रेकडाउन करके अगेन 100-150 पॉइंट दे पाएगा कि नहीं। सो बाय साइड पे अच्छा ट्रेड बन सकता है, फ्लैट खुले, हल्का सा ऊपर खुले, हल्का सा नीचे खुले, इस एरिया में खुल जाए तो यहाँ पे टारगेट्स आ सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम हमारे को 880 का टारगेट दिख सकता है मार्केट में आता हुआ, 880 इस दिन का अगर आप हाई देखोगे तो ये लगा है लगभग 875 का। तो इसके ऊपर कहीं पे जाकर, यू नो, जिन्होंने सेल किया हुआ उनके स्टॉप लॉस खा के मार्केट गिरना है गिर सकती है, अदरवाइज कंटिन्यू कर सकती है। स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट रहेगा, 960 19960 20,000 इस एरिया तक भी कहीं पे पहुंचने का प्रयास कर सकता है निफ्टी। अब आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कॉल अनवाइंडिंग, 800 के लेवल पे कॉल्स कट के गई है, 700 के लेवल पे कॉल्स कट के गई है, 2 लाख लोगों ने होल्ड करी है, ये जनरली रिटेल होते हैं, या वो लोग होंगे ये जिन्होंने काफ़ी पहले काफ़ी महंगे रेट में बेची होगी,
₹100 का प्रीमियम अगर उसने बेचा होगा तो उसको अभी भी इतना डर नहीं है, उसको लग रहा है कि भाई 19900 भी चला गया तो भी वो नेट नेट बचा रहेगा। मगर फ्रेश पुट राइटिंग 110000 19800 पे, तो कल 800 के ऊपर अगर निकल गए और टिक गए तो ब्रेकआउट की तैयारी है निफ्टी की। निफ्टी के टारगेट्स 900 के आसपास, जो मैंने आपको बोला 880, 19880, अगर वो 900 का एरिया भी पार होता है, जो अगर स्लो स्टेडीली मूवमेंट आया तो होता रह सकता है, 20000, ये है निफ्टी के कल के लेवल्स जो कल आ सकते हैं। तो एक सरप्राइज आप सबके लिए बड़ा ऊपर के साइड पे निफ्टी में रह सकता है। अगर आप इनकेस बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करना चाहते हो, देखो बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे जो है एक यहाँ पे पहले सपोर्ट था, ये वाला एरिया लगभग यहाँ पे पहले भी सपोर्ट था, तो ये जो एरिया है इसके नीचे बैंक निफ्टी गया, बट आप देख सकते हो शार्प रिकवरी आई है, टिका नहीं है। रीज़न क्या था? रीज़न पुटकॉल रेशियो था, पुटकॉल रेशियो काफ़ी कम हो गया था, तो यहाँ से हम एक शार्प रिकवरी आती हुई दिखी है। अभी अगर हम इस एरिया के ऊपर कल कहीं पर खुलते हैं, यानी 43500 के ऊपर खुलते हैं, 500 के लेवल पर, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स बेच के कैरी भी शायद कर लिए होंगे, करने नहीं चाहिए थे क्योंकि काफ़ी रिकवरी आई, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा होगा तो ट्रिगर हो गया होगा, बट अगर किए हैं जिसने उसके ट्रिगर होंगे, इनफैक्ट 600 वाला भी टेंशन में आएगा। तो बैंक निफ्टी कल अगर 500 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी के भी टारगेट जो हैं 750 के आसपास तक के पॉसिबल हैं, 750 यानी इस रेंज के अपर एंड तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये बैंक निफ्टी कमाल कर सकता है। अगेन ये तभी होगा जब बैंक निफ्टी इसी एरिया में कहीं पे खुले, बड़ा गैप डाउन खुल गया नीचे, कुछ ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस हो गई, आज मंदी थी, हल्का सा बाउंस आया, नीचे ही खुल गए, फिर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव खुल गए, हल्का सा फ्लैट खुल गया, खुल के निकल गए पहले आधे एक घंटे में ऊपर की तरफ, 500 के ऊपर टिक गए, तो धीरे धीरे निफ्टी में बाइंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग, और बैंक निफ्टी धीरे धीरे फ्रेश एक्सपायरी है, पोजीशंस खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे ये 600, 700, 750 ये सब एरिया को ट्रैवल कल के दिन में कर सकता है। तो मेरे को यहाँ पे अच्छे खासे एक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो गई है, और बाकी कुछ और हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब निफ्टी किसी कारण से बहुत बड़ा गैप डाउन ना खुल जाए। तो ये कल के लिए मार्केट का आपके लिए व्यू है। दोस्तों यहाँ पे कल थर्सडे के बाद फ्राइडे को मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी हो रही है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए मिड कैप निफ्टी के अंदर मैंने आज खुद ने सोचा था कि एक डबल टॉप लगा, बट स्टॉप लॉस लगा के निकालना पड़ा मुझे अपनी पोजीशन को। यहाँ पे अगर आप एक घंटे का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डबल टॉप पैटर्न मुझे लग रहा था, लग गया है, ठीक है, एक टॉप ये लगा, दूसरा टॉप ये लगा, डाइवर्जेंस भी थी, बट काफ़ी अच्छी एक रिकवरी आई है। अभी मिड कैप निफ्टी यहाँ पे एक टॉप, दूसरा टॉप और नेक लाइन के ऊपर आ गया, इसलिए मेरे को अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। बट अगर कल गैप डाउन खुलता है मिड कैप निफ्टी, तो निफ्टी में मैंने जैसा कि बोला शायद कुछ हो शायद कुछ ना हो, हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस मिड कैप निफ्टी में कर सकते हैं जिसकी एक दिन बाद एक्सपायरी है। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है तो देखो इसी एरिया में मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिए हैं, ये सपोर्ट्स बार बार टेस्ट होके किसी तरह बस होल्ड कर रहा है, हर रोज़ टेस्ट करता है और कुछ खास तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है पिछले चार सेशन से, क्लोजिंग बेसिस पे रोज़ पॉजिटिव में आके थोड़ा सा बंद होता है बट कुछ खास तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है। अगर किसी कारण से बड़ा गैप डाउन होता है मार्केट में या मार्केट वीक लगती है ग्लोबल मार्केट्स के कारण, तो 9450 का लेवल टूटने पे, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके नीचे आने पे, या फिर आपको इस एरिया के नीचे अगर मार्केट ये सीधा ही खुल जाए किसी कारण से गैप डाउन इस एरिया में, आपको अगर ये मिलता है डायरेक्ट गैप डाउन खुल के तोड़े या फिर डायरेक्ट यहीं पे कहीं पे मिले, इसमें आप पुट साइड का ट्राई कर सकते हो। इसकी अगर डबल टॉप की बात माने तो ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो आप, इसको एक दिन बाद की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो, चाहो तो इसको आप दिसंबर फर्स्ट वीक की एक्सपायरी, एक हफ्ता बाद की एक्सपायरी भी ले सकते हो, टाइम मिल जाएगा। इसमें टारगेट्स थोड़े से फिर बड़े बन सकते हैं, ये इस एरिया तक कहीं तक आराम से गिर सकता है, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा अगर ये 9250 या और नीचे आ गया, और फास्ट मोमेंटम के लिए ये जाना जाता है मिड कैप, तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा। कल डाउन साइड पे मेरा प्राइमरी कैंडिडेट ये रहेगा, बाय साइड पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बढ़िया लगेंगे अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे खुले, फ्लैट खुले और पॉजिटिव रहे। तो मार्केट को हमें कल अगर हमें बाय साइड पे लेना है तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में कुछ एक्सट्रीम बेरिश ना हो, सपोर्ट मिल जाए और थोड़ा सा ठीक ठाक मोमेंटम में इसी एरिया में कहीं पे खुल के इस एरिया को पार करे। सिंपल एंट्री रहेगी 830 के आसपास, सिंपल स्टॉप लॉस रखिएगा ₹40 का, लगभग 790-785 का, और टारगेट आपको उसके सामने 60-70 पॉइंट्स का पहला है, और वो पार होता है तो और उसको आप ट्रेल करके शायद आपको 50-60 पॉइंट और दे दे निफ्टी, बड़ा आसान कल के दिन में एक सेशन रह सकता है। दोस्तों एक आखिरी केस, किसी कारण से बड़ा गैप अप खुलती है मार्केट, मान लीजिए निफ्टी सीधा खुलती ही 900 के आसपास है, अगर ये ऐसा करती है तो पहले एक शॉर्ट कवरिंग में शायद मार्केट ऊपर जाएगा, मगर ऊपर के रेटों पर आपको सेलिंग का फिर मौका बन सकता है और मार्केट थोड़ा गिर के या तो बीच में या फिर गिर के थोड़ा नीचे
इस तरह का एक्शन कुछ दिखा सकती है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है तो कुछ सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, मार्केट सुबह सुबह ऊपर जाएगा। बट सुबह सुबह अगर मार्केट यू नो पहले एक घंटे में शॉर्ट कवरिंग एंड गैप अप के कारण मान लीजिए किसी कारण से इतना 150-160 पॉइंट्स ऊपर हो जाती है एक्सपायरी के दिन, तो फिर बहुत सारे लोग इसको सेल करने आ जाएंगे। उस केस में निफ्टी में एक अच्छा डायरेक्शनल या फिर एक फर्स्ट सेलिंग एंड देन साइडवेज के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान देना है, बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। तेजी अच्छी तभी होती है जब मार्केट ऑन स्क्रीन चले। ये ऑन स्क्रीन आज बहुत दिनों बाद चला है, ऑन स्क्रीन आज बहुत दिनों बाद गिरा है। अदरवाइज इंट्राडे में कुछ हो नहीं रहा था, रोज गैप खुलता था फिर साइडवेज होता था। आज फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के ऑन स्क्रीन गिरा, तो ये एक आज मोमेंटम दे गया। अभी कल भी अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे खुलता है तो आपके काम का है। यहाँ पे दोस्तों दो स्टॉक्स आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा की तरह। दोनों स्टॉक्स में आप ध्यान से मार्केट के सेंटीमेंट के साथ ट्रेड कीजिएगा, इसलिए एक बाय साइड का दूंगा और एक सेल साइड का दूंगा। देखिए JSW स्टील और इनफैक्ट कोई भी आप मेटल स्टॉक ले सकते हैं, थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स आज वीक थे, इसके अंदर एक सेल पैटर्न बना है। ये इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता था ये स्टॉक, ठीक है, और इसी एरिया पे अब ये रेजिस्टेंस खा रहा है। तो ये जो सपोर्ट था पहले, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। JSW स्टील यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा भी बना रहा है, अगर ये यहाँ से मार्केट वीक होती है तो ये गिर सकता है, अच्छा खासा गिर सकता है। नेकलाइन तोड़ने के लिए इसको 760 तक आना पड़ेगा, जो कि आपका पहला टारगेट रहेगा लगभग 8 रुपये का। 760 टूटता है या उसके आसपास ही खुलता है और नीचे जाता है तो आपके जो सेकंड टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे कहीं 750 के। तो 760 और 750 के टारगेट्स के लिए 10-15 रुपये के टारगेट हैं, इसके लिए आप JSW स्टील को शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस 773 का रहेगा सिर्फ। अभी के क्लोजिंग प्राइस से देखोगे तो 3 रुपये ऊपर और हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी खुला तो 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस, उसके सामने 1:4 या 1:4 से भी ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो JSW स्टील डबल टॉप जैसा पैटर्न, पहले का सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस, लॉजिक आपके सामने है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। दोस्तों दूसरा स्टॉक रहेगा टाइटन। ये भी कल भी आपको मैंने रिकमेंड किया था अपने वीडियो में बाय साइड पे कि भाई ब्रेकआउट कर रहा है, बिल्कुल क्लीन देखो मोमेंट है। ऐसा मोमेंटम नहीं है कि नीचे गया इंट्राडे में फिर रिकवर किया, जहां खुला वो ओपन है, जहां बंद हुआ वो क्लोजिंग प्राइस है, अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। इसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चल रहा है और ये मैंने आपको लाइव में भी बताया था कल के दिन में, ये ऊपर गया फिर ये साइडवेज गया, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट्स अभी भी बाकी हैं, 3500 तक जा सकता है, तो अभी भी जगह है इसके अंदर। अगर आपको आज के हाई के ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे बाय कीजिएगा, 25-25 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट अभी भी 70 रुपीज़ का है तो वो 1:3 से ज़्यादा का हो जाएगा। तो टाइटन और आपको दूसरा स्टॉक मैंने बताया JSW स्टील, ये दो स्टॉक्स और मार्केट पे मेरा व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज काफ़ी अच्छी एक रिकवरी आई और उससे पहले काफ़ी अच्छा एक फॉल आया। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देकर गई, अब ये मोमेंटम स्लो एंड स्टेडी तरीके से कंटिन्यू होने लग जाए ऊपर की तरफ, तो मार्केट में जो एक फॉल आना था RBI गवर्नर ने कुछ बोला, बहुत कुछ हुआ, उस सब कारण से वो कहेंगे डिस्काउंट हो गया एंड देन मार्केट अब नॉर्मल है। ग्लोबल सपोर्ट के साथ साथ धीरे धीरे हम वापस अपना ट्रेंड रिज्यूम कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी बैड न्यूज़, एनी समथिंग बिग, इन केस ऑफ अ बिग गैप डाउन, देन वहाँ पे थोड़ा सा चिंतित होने की बात है। इन लोस के कटने पे या इन लोस के आसपास जब मार्केट आके यू नो यहाँ पे कहीं पे खुल के इसके आसपास कुछ ट्रेड करे तो ही आपको चिंतित होना है कि भाई ये सपोर्ट्स टूट के मार्केट ब्रेकडाउन तो नहीं कर रही। मार्केट इस एरिया में है, काफ़ी रिकवर कर चुकी है, तो अभी आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही पहले देखिएगा, क्योंकि मार्केट में करंट ट्रेंड जो बड़ा ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, उसमें करेक्शन आया, करेक्शन पे अच्छे एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट्स लिए हैं और अच्छे लेवल पे निफ्टी ने तो क्लोज भी किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।